अब ये जो मुलाकात हो रही है, अब मैं आपसे दो चीजें समझना चाह रहा हूं। क्वाड का बैकड्रॉप है लेकिन हैंगओवर जो है वो अफगानिस्तान का है और जो बैगेज है वो ऑकस का है, ये कैसे होगा बैलेंस? देखिए, ये जो ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव से देखें और उसमें अगर फ्रांस को हम जोड़े तो एक तरह से कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से फ्रेंच जो जिस स्ट्रॉन्ग वर्ड्स स्टैबिंग इन द बैक जो पीछे से छुरा जिसको मारना बोलते हैं वो बोला है, तो उसमें एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन फ्रांस का यह था कि पिछले 6 महीने से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया डील कर रहे थे और फ्रांस को इन्फॉर्म नहीं किया उसने, और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बड़े अच्छे संबंध थे और जैसा कि अभी हमारे एम्बेसडर साहब ने बताया कि फ्रेंच भी वहाँ पे पावर है, वहाँ पे पॉलिनेशिया है और फ्रांस की लगभग 7,000 आर्मी उस एरिया में है। तो और चूंकि अमेरिका पहले से भी क्वाड प्लस की बात करता है जिसमें कि प्लान यह था कि एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी जो है, प्रजातांत्रिक जो देश हैं यूरोप के और ऑस्ट्रेलिया साउथ कोरिया इत्यादि, वो उसमें बाद में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस ढंग की पॉलिसी से पता यह चलता है कि अमेरिका अपने कॉमर्स को कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के बावजूद भी। फ्रांस के साथ जिस ढंग से उन्होंने किया है उससे पता चलता है कि आर्म्स डील जो है आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, और चूंकि दोनों फ्रेंच के लिए भी, फ्रेंच जो जो उनके जो सब जो जो सबमरीन का इंडस्ट्री था उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डील माना जाता है, और ये और उसमें फ्रेंच गवर्नमेंट का स्टेक था, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि फ्रेंच गवर्नमेंट का उसमें स्टेक, तो इसलिए फ्रांस के लिए भी वह बहुत ही मुश्किल होगा। वो चाहते थे कि इस ढंग की इंडस्ट्री उनकी सर्वाइव करे, रिवाइव करे और आगे ग्रोथ भी हो, उनके लिए मुश्किल होगा। और दूसरा कि फ्रांस वहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज को मोबिलाइज करने की भी कोशिश कर रहा है, और जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज ने अभी स्टेटमेंट कई देशों के आए हैं, तो उनका मानना है कि इस ढंग के जो एक टैसिट एग्रीमेंट आप करते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन नहीं होता, वैसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को नहीं करना चाहिए था। और उसमें एक दूसरा पहलू है, वो जो आर्म्स रेस और इस ढंग की चीज दूसरे देश भी करेंगे। हम यह मान के चल रहे हैं कि अभी केवल अमेरिका सबमरीन दे रहा है ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अब मैं ये मान के चलें कि कुछ दिनों में वही लॉजिक चाइना अप्लाई करेगा, और चाइना दूसरे देश जो आसपास के देश हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की बात करूं या फिर पाकिस्तान भी हो सकता है, ईरान हो सकता है, रशिया भी ईरान को दे सकता है, तो ये एक न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बात भी हम कर रहे हैं जिसमें कि दूसरे देश रशिया और चीन जैसे देश किसी ढंग की पनडुब्बियां जिनके पास हैं टेक्नोलॉजी, वो दूसरे देशों को दे सकते हैं। तो एक ढंग से उस एरिया में जो पैसिफिक एरिया वहां पे आर्म्स रेस भी शुरू हो। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। मैं सीधे रोहित के पास आ रहा हूं एक बड़ी खबर लेके। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले चीन को यह बड़ा झटका है, और बड़ा झटका क्या यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। क्वाड की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन की हालत खराब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत की साझेदारी से आप 100 करोड़ की वैक्सीन डोज बनाएगा यूएस। क्वाड मुल्कों की एक रणनीति, एक साथ रणनीति बनी है कोरोना के खिलाफ, इससे चीन की चिंता बढ़ गई है। मैं सीधे चलूंगा रोहित के पास, और रोहित, वैक्सीन डिप्लोमेसी और खासकर अभी जो बैठक चल रही है स्कॉट मॉरिसन के साथ, इसमें इसका भी जिक्र होगा खासकर, क्या इनपुट है इसको लेकर आपके पास? निशांत, क्योंकि जब पहली क्वाड वर्चुअल समिट थी तब भी ये बात निर्धारित की गई थी कि क्वाड जो है उसके तहत वैक्सीन प्रोडक्शन होगा, उसमें फंडिंग आएगी। इंडिया इज़ दी प्रोडक्शन हब फॉर वैक्सीन, तो इसी बात को जो है अब आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना की जो वेव्स हैं वो हर देश में आती जा रही है। और कहीं ना कहीं जैसा आप कह रहे थे निशांत, देखिए चाइना को काउंटर करने के लिए जो बात हम हमेशा कहते हैं कि क्वाड को कहा जाता है इट्स नॉट अ सिक्योरिटी अलायंस, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो दायरा है उसमें चाइना हमेशा आता है। आप किसी भी एंगल से उठा के देख लीजिए, और तक वैक्सीन प्रोडक्शन का जो बात है, देखिए ये बात हर कोई जानता है कि इंडिया इज दी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, तो भारत को इस्तेमाल करके क्वाड के थ्रू, बिकॉज भारत जो है हर कोई कहता है इट्स द हार्ट ऑफ द क्वाड, तो अगर किसी भी आप इशू में देखेंगे तो जो पॉलिसी है वो भारत से ही शुरू होगी और भारत पे ही आके खत्म होगी, तो ये कोई अननोन सी चीज नहीं है कि ये होने ही वाला था। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अमेरिका से एक और मेहमान है। आरजू जी, आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहूंगा, जल खाद्यान्न में आपके पास तुरंत आ रहा हूं। शांता मिश्रा जी, क्वाड की अगर बात की जाए, स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर की, अब जापान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर की, ये पहली मुलाकात है वन ऑन वन, और वो भी तब पहली मुलाकात है जब क्वाड वाकई में इन पिक्चर इन रियल दिखाई दे रहा है। क्वाड अपने आप में कितना बड़ा परसेप्शन चेंज लेकर आ रहा है? मुझे लगा कि आफ्टर अफगानिस्तान की बैकल क्वाड की जो रेलिवेंसी है, इट हैज गॉन अप, इट हैज
लाइन है दैट व्हेन प्रेसिडेंट बाइडेन कुड हैव हैजार्डली फ्रॉम अफगानिस्तान ही इज लुकिंग फॉर सम पार्टनरशिप बिकॉज देयर इज अ वैक्यूम आपकी आवाज मिश्रा जी हम तक नहीं आ पा रही है जल काद्यान मैं आपसे ये सवाल टॉस ओवर करूंगा और मैं चाहूंगा यहाँ पे जो पुराना भी स्कॉट मॉरिसन वाला ग्राफिक्स था उसको प्ले ऑन करें प्लीज गो एट जल काद्यान ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं अगर उनकी बात होगी तो तीन मुद्दों पर हो सकती है मेन तौर पर एक तो ट्रेड के बारे में कि ट्रेड को और किस तरीके से बढ़ाया जाए दूसरा वैक्सीन के बारे में भारत एक वैक्सीन दुनिया का एक प्रोटेक्शन सेंटर है और किस तरीके से इसको गरीब देशों में अभी भी वैक्सीनेशन की कवरेज बहुत लो है अफ्रीका में खासकर किस तरीके से उसको मिलकर आगे बढ़ाया जाए और तीसरा होगा क्वाड और ऑकस क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दोनों का मेंबर है मैं नहीं समझता आपस में कोई कंटेस्ट है ये तो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जहाँ तक क्वाड था वो एक उसका दायरा बहुत बड़ा था उसमें हालांकि मैरीटाइम सिक्योरिटी का भी मेंशन था लेकिन बहुत सारे और मुद्दे थे और ऑकस सही मायने में एक सिक्योरिटी पैक्ट है तो ये आपस में वो अगर चाइना को संकेत था क्वाड तो ये संदेश है चाइना का भी कोई शक नहीं है कि लोग आपस में मिल के ये देश जिसमें अभी यूके भी शामिल हो गया है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जापान तो पहले शामिल थे और ये चाइना की जो गैर कानूनी अवैध विस्तारवाद की कार्रवाइयां हैं जो छोटे छोटे देशों को डरा के धमका के उनको तंग करके और अपनी टेरिटरी बढ़ाता जा रहा है उस पर अभी रोक लगेगी मिलिटेरिली ये एक बहुत बड़ा कदम है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मिल के और इंग्लैंड का कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन ऑस्ट्रेलिया के पास आएंगी हालांकि आने में 10-15 साल लगेंगे अभी और चाइना इस दौरान में कोशिश करेगा कि उसके खिलाफ टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है लेकिन आज के दिन चाइना इससे बिल्कुल चिंतित है चाइना की मनमानी अब पैसिफिक रीजन में नहीं हो पाएगी पॉइंट टेकन सर अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर